हेलो दोस्तों, मैं नाम सुमित कटारिया। तो भाई आज है हमारे साथ और वेरिएंट के अगर मैं बात करूं SX CNG वेरिएंट रहने वाला है। अब ये वेरिएंट ना यार उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन लोगों को भाई आफ्टर मार्केट कुछ नहीं कराना। मतलब इस वेरिएंट के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ज़रूरत के फीचर्स तो आपको मिल ही रहे हैं, बट यहाँ पर आपको भाई अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं जो कि भाई प्रीमियम कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अच्छे खासे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। जो लोग डरते हैं ना कि भाई CNG गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट कुछ नहीं कराना, तो भाई इस वेरिएंट की तरफ चले जाओ। 9,05,000 रुपये की आपको जो एक्सशोरूम मिल जाती है। मैं हूँ फिलहाल समुद्रा हुंडई मेरठ के अंदर। तो बेस्ट प्राइस लिए आप जो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डीलरशिप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा होगा ऊपर। तो इस गाड़ी के फ्रंट लुक से स्टार्ट कर लेते हैं। जब से इस गाड़ी का फेस लिफ्ट हुआ है ना 2023 से, भाई काफ़ी अच्छा खासा बोल्ड और मस्कुलर लुक हो गया। अगर आप देखोगे ना काफ़ी अग्रेसिव ये गाड़ी आगे से दिखती है। बाकी यहाँ जो ग्रिल दी गई है ना, ये एक ही पार्ट के अंदर रहने वाली है, तो यहाँ पे कोई कटिंग नहीं है कि भाई इस तरीके से जो कट आता है थोड़ा सा डिज़ाइन ख़राब करता है। एक पार्ट के अंदर ये ग्रिल रहने वाली है, पैनल बैक फिनिश के अंदर दी गई है। बाकी ये उल्टे एल शेप के अंदर DRS आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब भाई हुंडई ने तो भाई कसम खा ली है कि भाई प्रॉब्लम्स डिलीट करने की, उसकी जगह DRS देने की, बट कहीं ना कहीं यार प्रॉब्लम्स होने चाहिए गाड़ी के अंदर जो कि भाई अब ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बाकी हेडलाइट्स आपको प्रोजेक्टर बेस नहीं मिलने वाले, रिफ्लेक्टर बेस यहाँ पे दिए गए हैं। इंडिकेटर अपना यहाँ पे रहने वाला है। बाकी यहाँ पे पियानो बैक फिनिशिंग दे रखी है। हुंडई का लोगो आपको सेटन सिल्वर के अंदर। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ 1680 mm की विड्थ, और व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ 2450 mm का मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा खासा व्हील बेस है। रियर सीट पर कंफर्ट आपको काफ़ी बेहतर यहाँ पे मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। तो भाई ये तो बात रही ऑल ओवर गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में, प्राइस के बारे में। बाकी कट एंड क्रीजेस काफ़ी अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं। साइड लुक की तरफ आते हैं, थोड़ा सा ये गाड़ी खड़ी हुई है, न्यू क्रेटा तो और हो नहीं सकती, तो थोड़ा सा ऐसी काम चला लेना आप। टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो टायर सेक्शन अपना जो है 1/75/60 R15 का आपको अलॉय का साइज मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतर यहाँ पे रहने वाला है। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर, जो कि सेडान के हिसाब से बढ़िया दी गई है। ओवरेंस आपको जो है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल्स रहने वाले हैं। बाकी यहाँ आपको बॉडी कलर ओवरेंस दिए गए। इंडिकेटर अपना यहाँ ए पिलर अपना बॉडी कलर, बी पिलर ब्लैकआउट, और सी पिलर पे आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक दे रखा है। क्वार्टर ग्लास भी मिल जाता है, तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। अब सेडान्स के अंदर ना आपको कंफर्ट बढ़िया मिल जाता है, प्लस आपको भाई CNG भी मिल रही है, तो माइलेज भी आपको काफ़ी बेहतर मिल जाता है। तो भाई टेंशन फ्री आप जाओगे इस गाड़ी के अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है। साइड लुक इस गाड़ी का ये दिए गए, जो कि काफ़ी बढ़िया। ये जो गाड़ी का कलर है ना यार, सिल्वर कलर है, और मेरे को काफ़ी जो है ये अट्रैक्टिव लगा है। कमेंट सेक्शन में आप बताना कि ये कलर आपको कैसा लग रहा है। बाकी ये अपना सी पैटर्न के अंदर LED टेल लैंप्स रहने वाले, जो कि काफ़ी अच्छा खासा लुक देती है। यहाँ अपना भाई इंडिकेटर, यहाँ अपना जो रिवर्स लैंप रहने वाला है, यहाँ अपना क्रोम का पार्ट रहने वाला है। कनेक्टेड फीचर अपना यहाँ पे नहीं है, बट ये जो पट्टी दे रखी है ब्लैकआउट, वो काफ़ी बढ़िया लग रही है। ऑरा की ब्रांडिंग स्पेसी के साथ में हुंडई का लोगो। यहाँ पे आपको भाई ये स्पॉइलर दिया गया, जो कि इस गाड़ी को और भी अच्छा खासा लुक दे रहा है, तो एक स्पोर्टी फील आ रहा है इस गाड़ी के अंदर। बाकी भाई यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया, कोई यहाँ पे स्टॉप लैम्प नहीं दे रखा, तो अगर आप सोचो कि स्टॉप लैम्प है, ऐसा नहीं है। स्टॉप लैम्प आपको यहाँ ऊपर दे रखा, रियर डिफॉगर आपको मिलता है। CNG की ब्रांडिंग अपना यहाँ पर रहने वाली है। बाकी वहाँ शार्क फिन एंटीना दिया गया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ और अपना जो है इसके CNG की बात करूँ, तो वो आपको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ से ये ऑन होगा क्या बूट, भाई देखते हैं। तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है इसके बूट को एक्सेस करने का, आपको या तो की से एक्सेस करना पड़ेगा या फिर भाई आगे से एक्सेस करना पड़ेगा, जो कि हमारे भाई ने मदद कर दी है। अगर आपको हुंडई का कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो भाई भाई से संपर्क कर सकते हैं। रजत भाई हैं समुद्रा हुंडई मेरठ के अंदर। कॉन्टेक्ट नंबर में डीलरशिप का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी कुछ ऑफर चल रहा है भाई इस पे? बिल्कुल, इस पे ऑफर्स चल रहे हैं, एक्सचेंज बोनस भी है, कैश ऑफर भी है, कॉर्पोरेट ऑफर्स भी है। और अवेलेबिलिटी क्या है इसकी? अवेलेबिलिटी बिल्कुल है, मतलब कितने टाइम में गाड़ी अगर बुक करें तो मिल जाएगी? डिपेंड ऑन मॉडल एंड कलर। अच्छा, अगर हम पे अवेलेबल है, अगर ये बिल्कुल अभी ले जाएं, अभी ले जाएं, तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ओके। बाकी अपने पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ अपना 65 लीटर का CNG का टैंक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा टैंक दिया गया। 13 किलो समथिंग इसकी कैपेसिटी रहने वाली है। अच्छे खासे भाई अपना जो है सेफ्टी फीचर्स के साथ में तो आता है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी फिटेड जो CNG के अंदर सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं रहने वाली है। प्रेशर के हिसाब से 7 से 8 किलो जो CNG इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो अच्छा खासा जो है कैपेसिटी के साथ में रहने वाला है। अब सेडान सेगमेंट की गाड़ी है, तो बूट स्पेस भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। नॉर्मल हैचबैक वाला बूट स्पेस आपको मिल जाएगा भाई, यहाँ भी अपना जो अच्छा खासा आप सामान रख सकते हो। अगर मैं इसके पेट्रोल वेरियंट की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर आपको भाई 402 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। बाकी भाई CNG वेरिएंट के अंदर आधा मान लो 200 लीटर का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट
प्रैक्टिकल बूट फोर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। बाकी स्पेयर व्हील की अगर मैं बात करूँ तो भाई अपना 165/70R14 का साइज यहाँ पे रहने वाला है। बूट लैम्प कुछ नहीं मिलता आपको। बाकी ये भी ना टिगोर की तरह सब उजड़ा हुआ है, मतलब सारी वायरिंग दिख रही है, एटलीस्ट ये कवर तो होना चाहिए। इसे करते हैं बंद और इसके आपको फ्यूल लीड दिखाता हूँ और CNG का नोजल दिखाता हूँ। अब डिज़ायर की तरह नहीं है कि भैया बाहर से लगा दिया हो, यहाँ काला टीका लगा दिया हो, वो नहीं है। यहाँ पर आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। CNG का नोजल अपना यहाँ पर रहने वाला है और यहाँ अपना 65 लीटर का CNG का टैंक मिल जाता है, तो 13 किलो की मतलब कैपेसिटी रहने वाली है। 7 से 8 किलो जो है प्रेशर के हिसाब से आ जाएगी, डिपेंड करता है, सर्दियों में ज़्यादा आ जाती है, गर्मियों में थोड़ी सी कम आती है। तो ये तो बात रही ऑल ओवर गाड़ी के बूट फोर्स के बारे में, CNG के बारे में। अब जो है इस गाड़ी के रियर डोर के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको ये दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर क्रोम भी मिल जाता है जो कि भाई इस गाड़ी के लुक को और भी एनहेंस कर रहा है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर मिल ही रहा है, तो वो चीज़ मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा। बट भाई रियर डोर की तरफ आते हैं, आराम से खोलूंगा, गाड़ी पर स्क्रैच लग जाए। डुअल टोन आपको ट्रिम मिल जाती है, तो भाई आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल 4 स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी एडजस्टेबल हेड रियर सीट पे मिल जाते हैं, 3.6 बेड मिडिल पैसेंजर के लिए, और अपना भाई यहाँ पे आर्मरेस्ट भी दिया गया है। कम्फर्ट की अगर मैं बात करूँ, 2450 mm का व्हील रेस मिलता है और कम्फर्ट लैग स्पेस काफ़ी बढ़िया, थाई सपोर्ट बहुत ही बढ़िया और हेडरूम काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। सेडान की यार यही खास बात है, लो पार्क माइक्रो SUV और अपना जो है भाई कौन कौन सी SUV आ रही है अब तो छोड़ो उस बात को, बट कहीं ना कहीं यार इनका कंफर्ट, इनकी ड्राइविंग डायनेमिक्स, इनका भाई चलना कोई मैच ही नहीं कर पाता। बस ग्राउंड क्लियरेंस तो कम है, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत आराम से निकाल लो। बट यार सेडान्स का अलग ही मजे है। रियर AC वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, 12 वाट का आउटपुट। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको फ्रंट सीट पर नहीं मिलने वाले, देखो कोई कंपनी आगे देती है, यहाँ पीछे दे रखे हैं, ऐसी होता है, कॉस्ट कटिंग करनी चाहे कैसे भी हो। बाकी आपको फैब्रिक प्लस लेदर एट सीट यहाँ पे दी गई है, तो 6 एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर आते हैं, उस वजह से ये चीज़ यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया सीट आपको मिलती है। ग्रैब हैंडल 360 अपना नहीं रहने वाला। लैंप आपको भाई रियर के लिए सेपरेट मिलता है, फ्रंट के लिए सेपरेट यहाँ पे दिया गया जो कि भाई ये रहने वाला है। बाकी माइक आपको मिलता है, कम्फर्ट बहुत ही बढ़िया आपको मिलने वाला है। अब जिस गाड़ी के फ्रंट डोर के बारे में बात कर लेते हैं, तो फ्रंट डोर कुछ आपको ये मिलता है इस गाड़ी के अंदर, डुअल टोन ट्रिम, 4 पॉइंट कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर्स। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अपना जो क्रोम ट्रीटमेंट दे रखा है, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिशिंग दे रखी है, लॉक अनलॉक का बटन, 80 वाट स्पेस, स्पीकर ग्रिल, 4 स्पीकर आपको आते हैं, की आपको मिलती है, ये दोनों ही आपको भाई कीलेस एंट्री वाली की मिलती है, जो इसकी क्वालिटी मारुति और टाटा से काफ़ी बेहतर है, मतलब अच्छी खासी क्वालिटी के अंदर आता है। लॉक अनलॉक और बूट ओपन का बटन यहाँ पर मिलता है और भारी की है, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कटिंग कर रखी है, अच्छी खासी आपको यहाँ पे की दे रखी है। बाकी ESP आपको मिलता है और यहाँ पे आप जो है पेट्रोल और CNG के अंदर स्विच कर सकते हैं। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, पियानो बैक फिनिशिंग, कॉपर की फिनिशिंग, सैटन सिल्वर, और भाई यहाँ से ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। अंदर बैठते हैं इस गाड़ी के, उससे पहले आपको ये दिखाता हूँ, हाइट एडजस्टेबल सीट भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इस वजह से कह रहा था कि भाई ये वेरियंट ना कम्प्लीट वेरियंट है, SX वेरियंट, आपको आफ्टर मार्केट कुछ नहीं कराना। स्टेयरिंग की तरफ आते हैं, टिल्ट मिल रहा है, टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। बाकी ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और ऑटोमेटिक वाइपर्स भी आपको नहीं मिलते। यहाँ पर आते हैं, क्लस्टर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको भाई इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। बाकी यहाँ से आप ऑन बजा सकते हैं, हुंडई का लोगो सैटन सिल्वर के अंदर, यहाँ पर आपको भाई सैटन सिल्वर दिया गया है। बाकी इसका जो क्लस्टर देखते हैं, यहाँ पर आपको RPM मीटर, बीच में MID, यहाँ पर आपको जो है स्पीड मीटर दे रखा है। बाकी डिस्टेंस टू एम्प्टी ट्रिप आप जो है चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं आपको थोड़ा क्लियर करके दिखाऊं, थोड़ा सा यहाँ पे जो अभी फ्यूज़ निकाल रखा तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो अभी कुछ इन्होंने कर रखा है, बस हाँ आपको जो है अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं। ट्राइफ्रेशन माउंटिंग सिस्टम भी आपको मिल जाता है। CNG का अपना जो है यहाँ पे मीटर रहने वाला है, फ्यूल का मीटर अपने यहाँ पे रहने वाला है। अच्छा क्लस्टर है, बट थोड़ा सा बेसिक है, कहीं ना कहीं डिजिटल आना चाहिए। जैसे कि इनकी एक्सटर के अंदर आता है, यहाँ आते हैं 8 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी खासी साउंड क्वालिटी के साथ में आता है। 4 स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पर कार पे सब कुछ यहाँ पे आपको वायरलेसली मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको कॉपर की फिनिशिंग, यहाँ पे मैनुअल AC, टाइप सी पोर्ट, 12 वाट का आउटपुट, USB पोर्ट, स्पेस आपको मिल जाती है, कॉपर की फिनिशिंग, 5 स्पीड में गियर बॉक्स, यहाँ पे आपको ग्रे फिनिशिंग दे रखी है, 2 कप होल्डर की स्पेस, यहाँ पे स्पेस, हैंड ब्रेक आपको मिलता है। बाकी कोई भी अपना आमरेस नहीं रहने वाला है। सीट की मैं बात करूँ, काफ़ी कंफर्टेबल और बड़ी सीट मिल जाती है, जो कि भाई देखो इतनी बड़ी है, ठीक। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, कूल ग्लव बॉक्स रहने वाला है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा भाई अपना जो स्टोरेज स्पेस दे रखी है, कोई भी बंदा को ड्राइवर सीट पर बैठता है,
या अपना कुछ भी रखता है इजीली भाई रख सकता है। बाकी कोटा सर वेंटीवेयर की बात करें आपको यहाँ पर दिया गया है, आयर भी आपको जो डेनेट मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, बाकी यहाँ अगर मैं बात करूँ लैंप मिलता है, माइक आपको मिल जाता है, डैशबोर्ड आपको जो है भाई टिकट होल्डर दिया गया इस गाड़ी के अंदर। डैशबोर्ड की मैं बात करूँ काफ़ी अच्छे खासे डैशबोर्ड इस गाड़ी के अंदर दिया गया है, मतलब मॉडर्न डैशबोर्ड है, पियानो बैक फिनिशिंग, कॉपर फिनिशिंग, वाइट फिनिशिंग, अच्छा खासा यहाँ पर लुक दे रहा है। बाकी जो आप इस गाड़ी की सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं बेस रेंट से। बाकी जो इस गाड़ी की वारंटी की अगर मैं बात करूँ तो वारंटी 3 साल 1,00,000 किलोमीटर्स की वारंटी ऑफर करती है हुंडई इस गाड़ी के साथ में। अब जो इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो इंजन आपको जो है इस गाड़ी का 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कापा सीरीज का इंजन मिलता है, जो कि CNG के अंदर 69 PS की पावर और 95 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। माइलेज की अगर मैं बात करूँ 28 किलोमीटर पर KG का जो है कंपनी क्लेम करती है, बट आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरह से गाड़ी चलाते हैं, हम ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। बाकी भाई ये गाड़ी पेट्रोल मोड के अंदर 83 PS की पावर 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, तो अच्छा खासा भाई ये इंजन है। बाकी आप ये देख सकते हैं 4 सिलेंडर इंजन रहने वाला है, बैटरी अपना यहाँ ऊपर आपको कोई भी इंसुलेशन नहीं मिलती है क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है, काफ़ी अच्छा खासा रिफाइंड इंजन आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये थी आपकी और SX CNG वेरियंट टॉप मॉडल। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।